बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हमारा के हाइपरलिंक्स, बुकमार्क्स एंड क्रॉस रेफरेंस। इससे पहले हमने इंसर्ट के टैब में पेजेस, टेबल्स एंड इलस्ट्रेशन वाला ग्रुप देख लिया था। नेक्स्ट जो लिंक्स वाला ऑप्शन आ रहा, लिंक्स वाला टॉपिक आ रहा है, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं, हाइपरलिंक्स, बुकमार्क्स एंड क्रॉस रेफरेंस। अब तीनों एक किस्म के लिंक्स ही हैं हमारे पास, लेकिन तीनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है कि जैसे हाइपरलिंक, लव्ड हाइपर मीन्स के एक लिमिट को क्रॉस कर जाना, क्रॉस द लिमिट, एक आपने जो उसको लिमिट दी है उससे बाहर निकल जाना, उसको कहते हैं हाइपर होना। हाइपरलिंक मीन्स के अपने लिमिट को क्रॉस करके बाहर किसी दूसरी चीज़ के साथ लिंक लगाने को हम हाइपरलिंक कहेंगे, ठीक है। अब हाइपरलिंक में क्या होता है कि आप एमएस वर्ड की जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं, आपकी जो फाइल है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, इसको छोड़ के आप बाहर किसी दूसरी फाइल, किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे वेब पेज के साथ लिंक लगा लेते हैं, उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लें, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे जाएं। जैसे ही हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे वो आपसे, आपके सामने कुछ फाइल्स शो कर देगा जो आपके पीसी में पहले से सेव है, आप चाहे वो वर्ड की हैं, एक्सेल की हैं, कोई पिक्चर है, वीडियो है, कुछ भी है, किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है, या आप किसी और फाइल के साथ जिसको आपने किसी और पोजीशन पे रखा हो, किसी और लोकेशन पे रखा हो, सी ड्राइव में है, डेस्कटॉप पे है, या जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है उस फाइल को, आप वहाँ से जाके इजीली उस फाइल के साथ लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी फाइल है, पिक्चर है, कोई वर्ड की फाइल है, वीडियो है, सॉन्ग है, या वेब पेज है, जो भी है आप उसके साथ इजीली लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फाइल आप सेलेक्ट करें, लेट्स सपोज आप फॉर एग्जांपल मैं ये बैनर के साथ लिंक लगाता हूँ, ओके करें जैसे ही, अब जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया था उसका कलर भी चेंज हो गया, उसको अंडरलाइन भी कर दिया उसने ऑटोमेटिकली, ठीक है। कलर इसका ब्लू आ गया क्योंकि लिंक का डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। अब जैसे ही माउस मूव करते हुए आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मैसेज शो करेगा कि क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल की प्रेस करें, जैसे ही कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आपकी माउस का आइकन जो है वो एरो हैंड शेप में आ जाता है, ठीक। उसके बाद आप इस लिंक पे क्लिक करें कंट्रोल की मदद से, तो आपके सामने वो जिस फाइल के साथ आपने लिंक लगाया होगा वो शो कर देगा, आप चाहे वो पिक्चर है, कोई मूवी है, जो भी है, आपको वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है बुकमार्क्स का। बुकमार्क्स मींस के आपने अपनी बुक या डॉक्यूमेंट के अंदर कोई निशानी लगानी है, सपोज आप कोई हिंट छोड़ना चाहते हैं कि आपने ये वाला पैराग्राफ फलानी जगह पे लिखा है, या आप रीडिंग करते करते किसी जगह पे पहुँचे हैं और आप थक गए हैं, उठना चाहते हैं, वहाँ पे आपने कोई लिंक लगाना है या निशानी छोड़नी है कि नेक्स्ट टाइम आप आएँ तो जस्ट उसको यूज़ करते हुए। हाइपरलिंक्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बुकमार्क्स का। बुकमार्क्स कहते हैं जी
निशानी को। समझिए कि आप जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो, जैसे लॉर्ड्स सपोज कुरान पाक पढ़ रहे हो, कुरान पाक पढ़ते हुए फॉर एग्जांपल आपने एक सारा पढ़ा, एक रुकू पढ़ा या एक पेज पढ़ा, आप जब उठते हैं तो आप वहाँ पे ना कुरान पाक में एक धागा लगा होता है जिसको आप उस पेज के सेंटर में रख देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आके कुरान पाक उठाएं तो आपको पता चले कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया हुआ था। तो उसे कहते हैं बुक मार्क, निशानी लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे भी बुक मार्क उसी काम के लिए भी यूज़ होता है और भी बहुत से काम हैं उसके। अभी तो हमारे पास इतना डाटा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट करवा लेता हूँ रहन के फंक्शन के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पैराग्राफ, 50 लाइन्स। तो ये कुछ मेरे पास ना पेजेस आ जाएंगे, सपोज काफ़ी सारे पेजेस हो गए मेरे पास, 15 पेजेस है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इनमें ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रीड करते 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 यहाँ तक पहुँचा, हेडर्स तक। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार इसे आगे मैंने कल रीड करना है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बुक मार्क लगा दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रीवियस के नाम से लगा दें या किसी भी नाम से लगा दें। ठीक है, ऐड कर दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नीचे आके मैं एक और लगाता हूँ, बुक मार्क लगा देता हूँ कि सेकंड के नाम से लगा देते हैं, ऐड बुक मार्क। अब किसी भी जगह पे अगर आप बैठे हुए हो, आप चाहते हैं कि यार मैं वो देखना चाहता हूँ कि मैंने जब सेकंड वाला जो बुक मार्क लगाया था या जब मैंने ये काम किया था या जब मैं कल उठा था तो मैंने कहाँ तक पढ़ लिया हुआ था, प्रीवियस पे रख के गो टू का ऑप्शन यूज़ करें तो वो आपको वहाँ पे ले जाएगा, सेकंड पे रख के गो टू का ऑप्शन यूज़ करें तो आपको वो सेकंड वाली पोजीशन पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये बुक मार्क्स होते हैं और इन्हीं बुक मार्क्स में हमने वो ऑप्शन भी पढ़ लिया जो होम में हमने छोड़ा था, आपको अगर याद हो तो फाइंड एंड रिप्लेस के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन था गो टू। तो गो टू में आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बुक मार्क्स प्रीवियस पे जाना चाहते हैं या सेकंड पे जाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ प्रीवियस गो टू, तो वो मुझे प्रीवियस वाली पोजीशन पे पहुँचा देगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड के बुक मार्क्स। ठीक है, बुक मार्क्स के बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन इज़ क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक जो था, वो हाइपरलिंक था कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को उसके बाहर किसी दूसरी डॉक्यूमेंट, किसी दूसरी फाइल, किसी दूसरी लोकेशन के साथ लिंक करना। बुक मार्क्स उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम निशानियाँ लगा लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे चैप्टर वाइज हम कोई निशानियाँ लगाते हैं कि चैप्टर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे आप आजकल वो डिफरेंट कलर्स में टैग्स लगा दिए जाते हैं, टैग्स के ऊपर हेडिंग्स लिख दी जाती है कि फलानी हेडिंग इस नए नंबर पेज पे है, या हम उस पेज को ना थोड़ा सा बाहर निकाल के फोल्ड कर देते हैं, उसे भी बुक मार्क कहा जाता है। ठीक, क्रॉस रेफरेंस होता है, क्रॉस रेफरेंस लाइक के आप उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ना डिफरेंट पोजीशंस को आपस में लिंक कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि बुक्स में लिखा होता है कि कोई पिक्चर लगी है या कोई इक्वेशन यूज़ हुई है या कोई लाइन ऐसी यूज़ हुई है जिसके साथ लिखा होगा कि इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप पेज नंबर इतने पे चले जाएं या पेज चैप्टर नंबर 3 में आप रीड करें, तो उसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। जब आपको वो एक ही जगह पे ना एक ही डॉक्यूमेंट में आपको डिफरेंट लोकेशंस की तरफ रेफर कर रहा होता है, रेफरेंस दे रहा होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, फिगर्स ऊपर जाना नीचे जाना, जंपिंग, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट लोकेशंस की तरफ आपको रेफर कर रहा होता है। तो क्रॉस रेफरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। लाइक मैं अगर क्रॉस रेफरेंस यूज़ करता हूँ तो क्रॉस रेफरेंस में वो आपसे पूछ रहा है कि रेफरेंस टाइप क्या है आपकी, आप किस टाइप से किस चीज़ के साथ क्रॉस रेफरेंस करना चाहते हैं, नंबर्ड आइटम्स के साथ, हेडिंग्स के साथ,
बुक मार्क्स के साथ, फुट नोट्स के साथ, एंड नोट्स के साथ, इक्वेशंस के साथ, किसके साथ आप करना चाहते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे है बुक मार्क्स, हमने यूज़ किए होंगे तो हम बुक मार्क्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे आपका दिल करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस यूज़ करते हो, उससे मैं कहता हूँ प्रीवियस के साथ क्रॉस रेफरेंस करो। ओके, तो अब यहाँ पे जो जिस टेक्स्ट के ऊपर हमने क्रॉस रेफरेंस बुक मार्क लगाया था वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल की मदद से जैसे ही क्लिक करूँगा तो जैसे क्रॉस रेफरेंस हमें उस जगह पे लेके चला जाएगा जहाँ पे हमने वो बुक मार्क ऐड करवाया था। ठीक है, तो ये हैं तीन लिंक्स के डिफरेंट टाइप्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क्स एंड क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक होता है कि बुक के बाहर किसी भी चीज़ के साथ लिंक लगाना, अपनी डॉक्यूमेंट से बाहर निकल के किसी दूसरी डॉक्यूमेंट, किसी दूसरी फाइल, किसी दूसरी पिक्चर, मूवी, सॉन्ग, किसी के साथ भी आप लिंक लगा सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम डिफरेंट पोजिशंस को डिफरेंट आइटम्स के थ्रू हम लिंक कर देते हैं, फिगर्स के थ्रू करवा सकते हैं या फिर आप हेडिंग्स के थ्रू करवा सकते हैं, बुकमार्क्स के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, बुकमार्क्स क्या होते हैं? बुकमार्क्स किसी भी चीज़ की हम जो निशानी लगा देते हैं उसे बुकमार्क कहा जाता है। क्रॉस रेफरेंस ज़्यादातर टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ फिगर्स, इन चीज़ों के साथ। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बेशक पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस इन तीनों चीज़ों के बाद, इन तीनों लिंक्स वगैरह की करें प्रैक्टिस, जो चीज़ समझ नहीं आती वो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में भी या व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आपका दिल करे। ठीक है, बाकी चीज़ों की भी प्रैक्टिस करें, उनकी भी मुझे तो नहीं लगता आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करते तो कोई ना कोई मसला आता, आप लोग पूछते हैं। ठीक है, चलें, ऑल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।